नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। अपने सहयोगी जगन के साथ ये वीडियो बना रहा हूं। एमसीडी राम कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हां, एक और कहानी लेकर मैं हाजिर हूं, लेकिन इसका एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं और वो ये है कि दिल्ली छावनी परिषद कैसे काम करता है। जब आप कभी एयरपोर्ट की तरफ गए होंगे तो जाहिर तौर पर आप दिल्ली कैंट से गए होंगे। दिल्ली कैंट अगर नहीं गए तो दिल्ली कैंट के रेलवे स्टेशन का भी इस्तेमाल किया होगा, और अगर वहां भी नहीं गए तो आपने दिल्ली कैंट के बारे में सुना ही होगा। उसे दिल्ली छावनी भी बोलते हैं, दिल्ली छावनी परिषद। और दिल्ली छावनी परिषद का जो चुनाव है, तकरीबन 8 सीटों पर, वह जुलाई में होने के चांसेस हैं। नोटिफिकेशन का इंतजार रहेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, एमसीडी की राम कहानी में आपको मैं जरूर बताऊंगा कि आखिर क्या कुछ अपडेट है। लेकिन ये चुनाव जो 7 साल बाद हो रहा है, इसमें खास बात यह है कि क्यों 7 साल बाद हुआ। 2015 में पहला चुनाव हुआ था, 2015 में चुनाव हुआ था, उसके बाद अब 7 साल क्यों लगे, 5 साल बाद क्यों नहीं हुआ। तो 2020 में जब आए, तो 2020 में फरवरी और अगस्त के महीने में यह जो दिल्ली छावनी परिषद है, वो 6-6 महीने के लिए इसका जो टेन्योर था वो बढ़ा दिया गया। उसके बाद 2021 में किन्हीं वजहों से इसे भंग कर दिया गया, और भंग करने के पीछे जो वजह बताई गई वो ये कि दिल्ली छावनी परिषद का जो अधिनियम है, उसका संशोधन विधेयक है, वह लोकसभा में लंबित है। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या यह विधेयक लोकसभा में पास होता है, क्योंकि अगला जो सत्र है वह शुरू होने वाला है। तो अगला सत्र में क्या यह विधेयक पास होगा, या फिर ऐसे लंबित रहेगा, या फिर उससे पहले जो है कुछ और हरकत होगी। तो यही वजह है कि दो बार भंग होने के बाद बिना पार्षदों के ही दिल्ली छावनी परिषद लगातार चलती रही है, और अब इसमें जो चुनाव होगा वो तकरीबन जो है 7 साल बाद होने जा रहा है। और साफ तौर पर दिल्ली छावनी परिषद बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर मिलिट्री सिविल के ज्यादातर लोग, मिलिट्री के लोग ज्यादातर रहते हैं। ऐसे लोग जो रक्षा से जुड़े होते हैं, जाहिर तौर पर जब ये सब कुछ होता है तो ये एक ऑटोनॉमस संस्था है और रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है। और लेकिन इसमें चुने हुए पार्षद भी रखे जाते हैं, और 8 जिनकी संख्या है, पदेन सदस्य भी बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे में इसका जो सर्वे सर्वा होता है वो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का अध्यक्ष होता है, सीईओ होता है, वह इसके पूरी देखरेख करता है। तो अगर आप कभी दिल्ली कैंट में गए होंगे तो वहां के रख रखाव की तुलना, वहां के डिसिप्लिन की तुलना, वहां के स्वास्थ्य की तुलना, वहां के साफ सफाई ब्यूटिफिकेशन की तुलना आप जरूर दिल्ली नगर निगम या एमसीडी से, और साथ ही साथ दिल्ली नगर पालिका परिषद से आप जरूर करते होंगे। तो साफ तौर पर है, 67 विधानसभा सीटों में 250 वार्ड हैं, तो करीबन 250 वार्ड में दो ऐसे जगह हैं जहां पर, मतलब 70 विधानसभा सीटों में तकरीबन 68 ऐसे हैं जो कि दिल्ली गवर्न है, बाकी दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया के अंतर्गत आती हैं। और साफ तौर पर आपको बता दूं कि ये चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि इसमें भी परिसीमन के बाद ये चुनाव होने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, आपको बताएंगे एक और वीडियो में कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है। एमसीडी की राम कहानी में फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।